बड़ा ही फेमस डायलॉग है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आज भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी खास बात पर आपको ये डायलॉग बोलते हुए मिल जाएगा। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द का है। इस फिल्म का एक गाना भी था जो कि अपने समय में काफी मशहूर हुआ था। वो गाना था मर्द फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। ये गाना तो मशहूर हुआ ही, इस गाने के साथ ही साथ एक गायक भी रातों रात मशहूर हो गया जिसका नाम था मोहम्मद अजीज। मोहम्मद अजीज का ये गाना बॉलीवुड में उनका पहला गाना था और उन्हें आज भी दिल से याद किया जाता है। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाएं आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। मेरे चेहरे से कफन हटाकर जरा दीदार कर लो यारो, ऐ बेवफा दुनिया बंद हो गई हैं वो आंखें जिन्हें हम अपनी आवाज से रुलाया करते थे। मेरी मौत का गम ना करना यारो, तुम फर्ज निभाना, सीने बदले की आग जलाना। मत सोच मुसाफिर रे, राम करे सोवे, कोई सोवे सुख की नींद, कोई झुर झुर रोवे। दोस्तों, मोहम्मद अजीज एक ऐसे सिंगर थे जिन्होंने बॉलीवुड में तकरीबन 20,000 से ज्यादा गाने गाए थे। तो आइए मोहम्मद अजीज की बायोग्राफी और उनके जीवन के बारे में इस वीडियो में हम शुरू से जानते हैं। मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिमी बंगाल के अशोकनगर कल्याणगढ़ में हुआ। मोहम्मद अजीज का असली नाम सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी था। बचपन में उन्हें मुन्ना के नाम से पुकारा जाता था। मोहम्मद अजीज को बचपन से ही गाने का शौक था और वो उस वक्त के मशहूर गायक मोहम्मद रफी के जबरदस्त फैन थे। बात करें इनकी शादी की, तो उनकी शादी रुबीना अजीज से हो गई। मोहम्मद अजीज के 2 हैं। लड़के का नाम है जजीब अजीज और बेटी का नाम सना अजीज। सना अजीज भी अपने पापा की तरह एक गायक बनना चाहती हैं। मोहम्मद अजीज ने अपने करियर की शुरुआत कोलकाता में एक रेस्टोरेंट गालिब में गायक के तौर पर की। इसी दौरान वो लोगों के बीच मशहूर होने लगे। मोहम्मद अजीज ने एक बंगाली फिल्म ज्योति से फिल्मों में अपना डेब्यू किया। मोहम्मद अजीज को गायकी का बहुत बड़ा शौक था। उन्हें लगा कि कोलकाता में रहकर वो उतना बड़े गायक नहीं बन सकते और उन्होंने अपने पापा से 2 का वक्त मांगा और पापा से बोले कि अगर मैं मुंबई में अच्छा गायक नहीं बन पाया तो मैं जल्द ही लौट आऊंगा। और अजीज साहब साल 1984 में मुंबई चले गए और फिर 1984 में आई फिल्म अंबर से उनको करियर की शुरुआत हुई। एक दिन फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई का ध्यान उन पर गया। उन्होंने ही अजीज का परिचय अनु मलिक से कराया और उन्हें मर्द फिल्म में गाने का मौका मिला। मोहम्मद अजीज को बॉलीवुड में अपना पहला ब्रेक अनु मलिक ने दिया। साल 1985 में बन रही फिल्म मर्द, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे मनमोहन देसाई, जिसमें हीरो थे अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक। फिल्म में एक टाइटल सॉन्ग था, गाने के बोल थे मैं हूँ मर्द टांगे वाला, जिसमें मोहम्मद अजीज ने इस गाने को अपनी आवाज दी। इस गाने को म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था। जहां एक तरफ फिल्म के सारे गाने शब्बीर कुमार ने गाए, वहीं टाइटल ट्रैक मोहम्मद अजीज ने गाया जो कि बहुत पॉपुलर भी हुआ। अमिताभ बच्चन की फिल्म तो हिट हुई ही, साथ ही साथ मोहम्मद अजीज के सुनहरे करियर की भी शुरुआत हो गई। इस गाने की सफलता के बाद उन्होंने 1985 में आई फिल्म जान की बाजी में आते आते तेरी याद आ गई जैसे कई हिट बड़े गाने गाए। उसके बाद 27 जून 1986 को अमृत फिल्म आई, जिसमें हीरो थे राजेश खन्ना और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल और आनंद बख्शी। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर की पसंद के तौर पर मोहम्मद अजीज को 2 मिले। पहला था दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। दूसरा गाना था शराफत अली को शराफत ने मारा। दूसरे गाने में गायक थे महेंद्र कपूर, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और जसपाल सिंह। मोहम्मद अजीज के दूसरे गाने ने कोई खास सुर्खियां नहीं बटोरी, पर दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, इस गाने ने मोहम्मद अजीज को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 4 की खुशियां है, 4 के मेले हैं,
अपने क्या बात करूं, सारे लोग अकेले हैं। और फिर अजीज साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई हिट गाने गाए। मोहम्मद अजीज ने सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया था। मोहम्मद अजीज ने उस समय के प्रमुख म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल, राहुल देव बर्मन, बप्पी लहरी, राजेश रोशन और उनकी तरह कई म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया और बॉलीवुड में गायकी में एक बड़ा स्थान हासिल किया। अजीज ने उड़िया फिल्मों में भी गाने गाए थे। इसके अलावा मोहम्मद अजीज ने कुछ एल्बम भी की थी, जैसे हम, खुदा गवाह, दूध का कर्ज, सूर्या, कुर्बान। मोहम्मद अजीज की लोकप्रियता रातों रात बढ़ती गई और वो भारत समेत विदेशों में भी स्टेज शो करने लगे। 80 के दशक में मोहम्मद अजीज के सबसे हिट गाने थे माई नेम इज लखन, मेरे दो अनमोल रतन, और कर्मा फिल्म का गाना तू मेरा कर्मा मैं तेरा धर्मा आदि थे। मोहम्मद अजीज अपने समय के कुछ चुनिंदा गायकों में से थे जो सातवें सुर में गा सकते थे। मोहम्मद अजीज को 2 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के रूप में नॉमिनेट किया गया था, यहां तक कि उनको मोहम्मद रफी का उत्तराधिकारी माना जाने लगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 80 का दशक एक ऐसा दौर था जब संगीत की दुनिया से सदे हुए गायकों की कमी होने लगी थी। 80 के दशक से पहले ही सिंगर मुकेश का देहांत हो गया था। 80 के दशक की शुरुआत में ही रफी साहब भी गुजर गए। त्रिमूर्ति ठह गई और सिर्फ किशोर कुमार ही थे जो अकेले लीड कर रहे थे। ऐसे में रफी साहब के जाने से जो जगह खाली हुई थी उससे इंडस्ट्री के लिए उभरना नामुमकिन सा हो गया था। लोगों के सिर्फ मोहम्मद रफी की मखमली आवाज का जादू चढ़ गया था। ऐसे में मोहम्मद अजीज ने उस स्थान को बखूबी ये कहा जाने लगा कि वो मोहम्मद रफी की जगह ले लेंगे। मोहम्मद अजीज ने अलग अलग भाषाओं में करीब 20,000 से ज्यादा गाने गाए। मोहम्मद अजीज ने लाल रुपट्टा मलमल का, मैं से, मीना सेना साकी से, सारे शिफे गिले भुलाकर कहो जैसे सैकड़ों हिट गाने गाए। अजीज ने मर्द के अलावा बंजारन, आदमी खिलौना है, लव 86, पापी देवता, जुल्म को जला दूंगा, पत्थर के इंसान, बीवी हो तो ऐसी, बरसात की रात और सूर्या जैसी फिल्मों में गाने गाए। ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद अजीज मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाते थे। उनके गाने में ये पता कर पाना मुश्किल था कि उन गानों को किसने गाया था। मोहम्मद अजीज मोहम्मद रफी के जबरदस्त फैन थे और मोहम्मद रफी की मृत्यु के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लिए गाना भी गाया जो कि आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद मोहम्मद अजीज का करियर ढलान पर आ गया। ये वो दौर था जब उदित नारायण, कौर कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पोडवाल, साधना सरगम जैसे गायक बॉलीवुड में अपना मुकाम बना रहे थे। मोहम्मद अजीज को गायकी के क्षेत्र में हमेशा याद किया जाएगा। अपने करियर के दौरान मोहम्मद अजीज ने बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेताओं जैसे दिलीप कुमार, शमी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और कई अन्य अभिनेताओं को बुलंदियों पर पहुंचाया और उनको रातों रात स्टार बना दिया। मगर अफसोस की बात यह है कि सातवें सुर में गाने वाला गायक आज इस दुनिया में नहीं है, मगर हमारे दिल में अजीज साहब की आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। मोहम्मद अजीज का निधन 64 साल की उम्र में 27 नवंबर 2018 को हो गया था। वे कलकत्ता से मुंबई लौट रहे थे जहां एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई। मोहम्मद अजीज को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मर के भी दोस्तों मैं रहूंगा नशे में, दफन करना मुझे तुम
मैं कदे में कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका बिखरा लुटा वो आशियाना, पल में बन गए सारे अपने बेगाने, याद बहुत आते हैं गुजरे जमा। बॉलीवुड में हमेशा मोहम्मद अजीज की जगह चुनिंदा गायकों में रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।